हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परी बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी, वो भी इस तरीके से। इतना आसान तरीका होगा कि आप आराम से लगाएंगे और कहीं भी कोई झोल नहीं आएगा। कहीं भी आपका साड़ी में और फॉल में जो भी झोल आता है वो कहीं भी दिखाई नहीं देगा आपको। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। आप सभी लोग फॉल लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है, फॉल लगाना सभी को आता है, लेकिन ये मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। हो सकता है आपको भी आता हो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी आपको। कि मैंने साड़ी पहले तो साड़ी सभी लोग ना हाथ से लगाते हैं, कुछ लोग नीचे साड़ी में फॉल, कुछ लोग मशीन से। आप मशीन से फॉल लगाइए तो ये जो आपकी बॉर्डर होती है साड़ी की, ये भी मजबूत हो जाती है, दोबारा ये कभी खुलेगी नहीं। ठीक है, इसको आप नीचे बॉर्डर में जो फॉल लगाएंगे वो आप मशीन से लगा लीजिए पहले। मशीन से जब आप फॉल लगा लेंगे तो आपकी लेस और आपका ये फॉल दोनों ही मजबूत हो जाएगा। आप पैरों में पायल पहनते हैं कुछ भी, तो उस तरीके से ये धागा कभी फंसेगा नहीं और ये खुलेगी भी नहीं आपकी, ये लंबे समय तक आपकी चलेगी और गंदी भी नहीं दिखती है। देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग से, दिखाई भी नहीं देती आप यदि एकदम एक्यूरेट धागा लगाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगी। ये देखिए आराम से, ये देखिए अपोजिट साइड मैंने ये लगाई हुई है, ये देखिए आपको बिल्कुल कहीं भी धागा दिखाई नहीं दे रहा। और ये मेरी जिग जैग वाली लगी हुई है, ये देखिए ऐसे क्रिस क्रॉस में लगी हुई फॉल है। और ये जो है ना मैं पीकू मशीन से लगाती हूँ, आप ही लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉर्मल मशीन जो है आप उससे भी लगाइए। आप बस घर में, चूंकि हमारे पास वही मशीन अवेलेबल होती है, तो हम उसी मशीन से फॉल लगाएंगे। और आपको जो पीकू भी नहीं करने की ज़रूरत है, आप बाजार में साड़ी फॉल लगवाते हैं तो पैसा पड़ता है, आप घर में बस एक फॉल का आपके चार्जेस पड़ेंगे और कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। आप बस फॉल ले आइए और फॉल लगा लेके लगाइए। और यहाँ पे आप है ना पीकू की जगह, आप देखिए मैंने पीकू कर रखा है, आप पीकू की जगह इस तरीके से फोल्ड करके अपना साड़ी में सिलाई भी लगा सकते हैं। वो तो अंदर चली आती है तो ये आपको दिखाई भी नहीं देगी कि सिलाई दिखाई दे रही है। बहुत आराम से फिनिशिंग से आप इस तरीके से मोड़ के एक सिलाई डाल दीजिए तो आपका ये भी बंद हो जाएगा। और आप फॉल में ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला इधर इस वाले फॉल का नीचे का जो हिस्सा है, इसको आप मशीन से लगा दीजिए। यहाँ से पूरा नीचे तक आप ये कवर कर दीजिए तो आपकी मशीन से फॉल भी लग जाती है और आपकी लेस भी मजबूत हो जाती है। उसके बाद सबसे अच्छा तरीका होता है फॉल लगाने का, कि आपके घर में हर किसी के घर में उनके बच्चों के पढ़ने की टेबल होगी, आप टेबल पर अपनी साड़ी को इस तरीके से आप अपनी साड़ी को ऐसे फैला लीजिए। ठीक है, अब जब आप साड़ी को ऐसे फैला लेंगे, देखिए आप ऐसे फैला लेंगे ना तो ये एकदम, आप ऐसे फैला लीजिए, अब आप इस पे कुछ भी इस तरीके से थोड़ा सा वजन रख दीजिए ताकि आपकी साड़ी इधर उधर ना भागे। आप इसको फैला लेंगे ना तो ये साड़ी कहीं नहीं जाएगी, ना ही अब जैसे हाथ में रख के हम करते हैं या किसी चौकी पे रख के करते हैं, लकड़ी की किसी भी तरीके से फॉल लगाते हैं हाथ में लेके, तो हल्का सा यहाँ पे झोल आ जाता है, लेकिन इसमें झोल नहीं आता क्योंकि ये साड़ी आपकी चारों तरफ से एकदम एक्यूरेट बाहर की तरफ गिर गई है। तो आप जब आप फॉल लगाएंगे तो ये ऐसे करके आप रखेंगे और ये ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे ना तो ये आपकी फॉल एकदम बिल्कुल सही लगेगी, कोई झोल नहीं आएगा। ये आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग तुरपन करते हैं, तुरपन नहीं करना है आपको, बखिया करना है। तुरपन करने से वो भी आपके पैरों में फंसती है, पायल में फंसती है या किसी भी चीज़ में फंस जाती है, हमारी चप्पल में फंस जाती है, तो वो निकल जाता है धागा। तो आप इसको बखिया करिए, बखिया देखिए इस तरीके से आप ऐसे करते जाइए, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। नीचे की तरफ आप जब डालेंगे सुई को तो आपको बहुत छोटा लेना है, ऊपर लाइए तो थोड़ा सा बड़ा है ना, नीचे साड़ी में जो जाएगा वो हमारा टाका एकदम छोटा जाएगा। और ये ऐसे करते हुए रखना है आपको, एकदम ऐसे टेबल पे आप साड़ी जब बिछा लेंगे तो ऐसे करते हुए आप फॉल लगाइए। और मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, आप ऐसे करके फॉल लगाएंगे 15 मिनट में आपकी फॉल लग जाएगी। बखिया करने से ये जो धागा है ना कभी भी आपके पैरों में फंसेगा नहीं और ये आपका मजबूत भी रहेगा, लंबा टाइम पीरियड ये आपका चलेगा, टूटेगा नहीं। तो बनाइए सिंगल में, अगर डबल में आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंगल में करेंगे तब भी ये आपकी मजबूती ही रहेगी। देखिए मैंने कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा हुआ मैंने ये बखिया किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इस तरफ आप भी देखिए, इस तरफ देखिए आपको बिल्कुल टाका दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए बहुत छोटा नन्ना नन्ना टाका है, ये देखिए बिल्कुल बहुत छोटा 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 छोटा।
तो ऐसे आप करेंगे ना तो ये आपकी बिल्कुल झोल नहीं आएगी, बिल्कुल भी कहीं से झोल नहीं पड़ेगा आपका। बस धीरे धीरे आप साड़ी को ऐसे खिसकाते चलिए और इसको इसको इस तरीके से करते चलिए, बस ऐसे। बहुत जल्दी लग जाती है, आपको बैठना, साड़ी फैलाना है या कच्चा करना है। बहुत लोग कच्चा भी करते हैं भाई, लंबा लंबा टाका लेके यहाँ से पूरे में कच्चा कर लेते हैं, उसके बाद ही सही से फॉल लगा पाते हैं। सोचते हैं कि अरे भाई मेरी साड़ी में तो झोल आ जाता है, झोल आ जाता है। तो कभी भी इस तरीके से फॉल लगाने में आपकी साड़ी में कभी भी कोई झोल नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना साड़ी आपकी यहाँ से एकदम सीधी हो, ठीक। आप ऐसे खिसकाते चलिए और लगाते चलिए। फॉल लगाने में भी हमारे चार्जेस पड़ते हैं, जब हम बाहर किसी को साड़ी फॉल लगाने के लिए देते हैं तो हमारे 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, पता नहीं, सब लोग अलग अलग रेट में साड़ी में फॉल लगाते हैं। तो आपका वो पैसा भी बचेगा, आपको सिर्फ एक बाज़ार से फॉल ख़रीदनी है, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़ जितने की भी आती है, बस आप एक फॉल ख़रीद लीजिए, उसको वॉश करके हल्का सा प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी फॉल जो है ना यदि कॉटन की होगी तो शाइन नहीं करेगी और वो एकदम अच्छे से लग जाएगी। इसे लगा लीजिए और हमेशा बखिया की है, बखिया करने से आपकी फॉल कभी भी एकदम क्या इधर से होता है क्या है? ये चीज़ ये ऐसे अपोजिट, जब हम ऐसे टाका लगाते हैं ना, ऐसे करके जब ऐसे करके टाका लगाते हैं, ये ऐसे, ये तुरपन वाला, तो ये गलत है। इससे क्या होता है हमारा धागा खिंचता है, वो कभी कहीं फंसता है तो फंस जाता है, ये चीज़ नहीं फंसती है, ये आपकी प्रॉपर ऐसे ही रहेगी। आप चाहे जैसे साड़ी को वेयर करिए, चाहे जैसे पहनिए, बहुत अच्छे से ही आपकी साड़ी ऐसे ही फॉल आपकी रुकी रहेगी। बस ऐसे कच्चा करते जाइए, कच्चा ही है एक टाका, बस इसको बखिया बोलते हैं, कच्चा टाका ही है। कच्चा टाका तो सभी लोग लगा ही लेते हैं, देखिए आपको कहीं भी कोई टाका दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। किसी भी तरह की साड़ी है आप बस कलर धागे का एकदम एक्यूरेट लीजिए बढ़िया से, और ये देखिए आपकी कहीं भी झोल नहीं पड़ेगा। मेन तो साड़ी में फॉल लगाते समय झोल आना है। साड़ी में आजकल लेस जो लगाते हैं ना, वो इस तरीके से लगाते हैं, इतना इतना गलत तरीके से लेस लगाई जाती है ये वाली, कि साड़ी इधर उधर से लहराने लगती है, तो उससे ना फॉल एकदम फिटिंग से बैठती नहीं सही से। तो आपको जब भी फॉल लगाना है ना, आप बस टेबल पर रख के लगाइए, 10 मिनट आप खड़े रहिए टेबल के पास, इस तरीके से आप टेबल पर डालिए साड़ी को, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, आपकी फॉल तैयार हो जाएगी लग के। वो आप भी सोचेंगे, जब कभी आप लगाएंगे तो सोचेंगे कि मैंने आपको बहुत अच्छा सा सजेशन दिया है, आप करके देखिए, बहुत आसान तरीका है ये, एकदम जल्दी से लगने वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी फॉल लग चुकी है, पूरी तैयार है। अब आपको मैं दिखाती हूँ सीधा तरफ से, देखिए यहाँ से, देखिए आपको कहीं भी कोई झोल नजर नहीं आ रहा होगा, एकदम एक्यूरेट फॉल लगी हुई है, देखिए एकदम बहुत फिनिशिंग से लग गई है। कहीं भी कोई टाका बहुत छोटा छोटा मैंने ले रखा है, और बखिया करने में यही होता है कि आप है ना बखिए से बहुत अच्छे से सफाई से फॉल लग जाती है। देखिए इस तरीके से मैंने साड़ी फॉल लगा दी है, आप भी अपनी साड़ी में इस तरीके से फॉल लगाएंगे तो आपको बहुत आसान होगा। ऐसे टेबल, किसी भी घर में कोई भी टेबल, कंप्यूटर टेबल है या
पढ़ने वाली टेबल है या फिर आपकी कोई और टेबल है, प्रेस वाली टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेस वाली टेबल पे फॉर्म या कपड़ा है तो उसके ऊपर आप एक पतला सा पट्टिया वगैरह कुछ रख लीजिए लकड़ी का, ठीक है। और ये आपकी तैयार है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी साड़ी में फॉल लगाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू सो मच।